1999 में पहला पैचलेस का मेल मैं लेके आया था कोलकाता से। तो इन्हीं के हाथ में गोरखपुर की डोर है। गोरखपुर में इकलौता ये सब पेयर है, कभी भी ठंड से नहीं मरती, गर्मी से नहीं मरती, बरसात से नहीं मरती, आपकी लापरवाही से मरती। और ये हमारी गोरखपुर की टीम है और सोचेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप जब आए तो इससे भी ज्यादा आपको विजिट कराएं, लोगों से मिलवाएं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं इंडियन बजीज एंड लवबर्ड चैनल। दोस्तों फाइनली अब मैं गोरखपुर में फाइनल एक सेटअप पर आ चुका हूं, जो कि अमर जॉय भाई का सेटअप है, जो गोरखपुर बर्ड सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। मैं उनसे आपको मिलवाना चाहूंगा। और ये इनका जो कॉकटेल का सेटअप है, और पीछे आप देखेंगे वहां पर ग्रे पैरट है और एक्लेक्टस है, और भी आपको दिखाएंगे बाद में उसमें क्या है। तो हेलो सर। हेलो, तो जॉय भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और काफी दिन बाद में मेरा आना हुआ है शाहरुख भाई के जरिए से के मुलाकात होगी। तो अब ये हमारे काफी, मैं कल से सेटअप विजिट कर रहा हूँ। जी जी। तो भाई ने टाइम शेड्यूल बन गया था, इतना टाइट शेड्यूल था। गोरखपुर में तो इतने सेटअप हैं, बहुत ज्यादा सेटअप है। अगर मैं और हर जगह का रख रखाव भी अलग मिलेगा आपको, 7 दिन भी और रुकूं तो सेटअप कवर नहीं हो पाएंगे पूरे। तो बस फाइनली आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो मैंने लास्ट मिनट किया जॉय भाई के पास जरूर जाना है। तो जॉय भाई कुछ अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए। मेरा नाम अमर जॉय सिंह है, मैं गोरखपुर बर्ड सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूं, और सोसाइटी जो है वो पिछले 7 साल से बर्ड्स के लिए, उसके इनरिचमेंट के लिए और ब्रीडिंग के लिए वर्क करती आ रही है, और लोग उससे प्रेरित होकर सोसाइटी का पार्ट बनते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो इंडियन स्पीशीज़ है उसको हम लोग पालने के लिए मना करते हैं कि वो ना पाल के एग्जॉटिक, जिनका प्रवेश पोर्टल या किसी और पे भी रजिस्ट्रेशन है, वो पालें, वो ज़्यादा अच्छा है और बेटर है। अब जो भाई आपने जो ये इधर केज बाई केज लगाए हैं, थोड़ी सी इसकी जानकारी दीजिए, दिखाइएगा कि आपने कब से हैं और आपने इस बर्ड्स लाइन में कितना टाइम हो गया। बर्ड्स को रखते हुए हमें लगभग 25 साल प्लस में हो रहा है, उससे कम तो नहीं हो रहा होगा, ऊपरी का होगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि कॉकटेल्स जो वाइट फेस कहे जाते हैं जी, 1999 में पहला पैचलेस का मेल मैं लेके आया था कोलकाता से। अच्छा, तो देखिए 25 साल का एक्सपीरियंस है, उससे ऊपरी का होगा, उससे ऊपरी का नहीं है। जो भाई कुछ खासी बात होगी जी, शाहरुख भाई बहुत तारीफ करते हैं आपकी। सोसाइटी के हमारे मेन कमान संभालते हैं जो है भाई, प्रेसिडेंट हैं, तो इन्हीं के हाथ में गोरखपुर की डोर है। तो हमारे ये एक तरीके से पूरा यूपी ही कवर करते हैं, हम सब इनके पीछे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि जो सोसाइटीज हैं, ऑलमोस्ट सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं होती है, बट अपनी सोसाइटी रजिस्टर्ड है। इंडिया में कुछ ही सोसाइटीज रजिस्टर्ड हैं जिसमें यूपी का भी नाम गोरखपुर बर्ड सोसाइटी के नाम से आता है। अच्छा, हर साल सेमिनार भी होता है, हर साल का 5 कर चुके हैं ना हम, 4-5 सेमिनार हो चुके हैं अभी तक, 4-5 सेमिनार कर चुके हैं, और उम्मीद है कि 5वां जल्दी करेंगे। तो जो भाई अब जो है टाइम की कमी है, तो बस आपका सेटअप देख लें, तो यहाँ पर व्यूवर्स को दिखा दें। तो ये कॉकटेल का जो देखिए शानदार क्वालिटी, ये केवल कॉकटेल्स का नहीं है जी, ये केवल कॉकटेल्स का नहीं है, ये 5, 2 और 3 यानी 5 फीट गहरा और 2 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा है जी। इसमें आप कोई भी स्पीशीज रख सकते हैं छोटे, जैसे मैंने रखा है यहाँ पर स्मॉल कनूर, फिर आ गया आपका कॉकटेल। आइए, तो इनकी ब्रीडिंग चालू है अभी बॉक्सेस में, ये बल्क में देखिए कॉकटेल दिखाई दे रहे हैं, 7-8-10 पीस होंगे, ये देखिएगा बल्क में है, 7-8 पीस है चारों सीधे, ये ले किया हुआ है जी, बल्क में होने के बावजूद फीमेल ने लेकर रखा। ये सिर्फ बच्चे इन्हीं के हैं? नहीं, ये मैंने अपने के यहाँ ढेरों बच्चे हो गए थे, उन सबको लाके इसमें छोड़ा। अच्छा, और फिर वो हो गए, ये फिर एक फीमेल इसमें लेकर गई। इसमें ये पेरेंट्स हैं, ये दोनों राइट हैंड साइड वाले, ये दोनों बच्चे हैं उसके, काफी जबरदस्त साइज है, बेहतरीन। एक पर्ल फीमेल और मैं भी, ये मेल है फॉन। सेनेगल पैरेट आपने देखा?
पहले। आई होप सो कि गोरखपुर में इकलौता ये सब पेयर है, और ये 5 साल मैंने रखा था, वेट किया, हर एक चीज किया, 5 साल बाद इसने इस नेस्ट बॉक्स में ब्रीड किया। अच्छा, इतना पेशेंस रखने के बाद। देखिए इसमें पेशेंस ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वो है कि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप पेशेंट बन जाएंगे। ये चिड़िया ब्रीड नहीं कर रही, अंडे नहीं दे रही है। ऐसे बॉक्सेस में कुछ है क्या? बॉक्स में कुछ नहीं होगा, केवल रस्ट होगा। अच्छा, अभी ये सेनेगल जो है गोरखपुर में किसी ने ब्रीड नहीं कराया है, फर्स्ट टाइम ये खिताब जो है मांगो जाता है। और हम बताते चले कि ग्रे पैरेट की भी सबसे पहली जो ब्रीड है गोरखपुर में वो फीमेल उधर रखी हुई है। अच्छा, ये गोरखपुर में पहली बार जब ब्रीड किया था तो सामने वो केज है, शाहरुख ने पहला वीडियो बनाया था। हाँ, मेरे चैनल पे पहली वीडियो है जो ग्रे ब्रीड। अभी कुछ दिन पहले एक साहब का फोन आया कि जो है भाई कि आपके पास ग्रे का बच्चा है, अब सीजन नहीं रहेगा तो बच्चा कहाँ से होगा। ये पहली बार ये सेटअप डाला है हमने कि सस्पेंडेड केज में ग्रे रखना। ये जबरदस्त क्वालिटी है। जो इधर जाली पे चिपका लेफ्ट हैंड साइड में है वो मेल है, और जो ऊपर चिपकी हुई है वो फीमेल है। अच्छा, विस्लिंग भी करता है ये बहुत अच्छी, और नाम भी लेके बुलाता है। अच्छा, टॉकिंग है। एक तो मुझे पापा भी कहता है। अरे आप पापा हैं भी उसके। हाँ, ये देखो आप कि जो मैंने उसमें मोटी लकड़ियां डाल रखी थी इसको इन लोगों ने चू करके भी यहाँ रख रखा है, तो हो सकता है कि महीने 15 दिन में ये ब्रीड पे आ जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये ब्रीड पे आएगा। अब इधर की तरफ चलते हैं। हाँ चलिए, हमारे पुराने सेटअप पे। पुराने सेटअप है, और इसी सेटअप का हमने वीडियो बनाया था, और यही वो केज है जो गोरखपुर में पहली बार ग्रे ब्रीड हुआ था इसमें। और तो आगे इस केज में ब्रीड किया था, पेरेंट्स अभी भी अंदर हैं। पेरेंट्स इसमें हाँ, इस केज में अंदर हैं, लेकिन ले तो नहीं किया उन्होंने अभी तक का। ये इक्लेक्टस का मेल है, ये वॉसमेरी इक्लेक्टस है जिसका ये पेयर है। जबरदस्त, ये जो सेकेंड टाइम हमारे यहाँ ब्रीड किया था वो ये पेयर है। इसने ब्रीड किया, ये किया है। दो पेयर हमारे यहाँ ब्रीड कर चुके हैं, एक ये और एक उधर। अच्छा, वो जो अंदर है बॉक्स के, बॉक्स के अंदर है जो। इसका साइज बताएंगे कि इसका साइज, हाँ साइज बता दीजिए। 4.5 फीट चौड़ा, 6 फीट गहरा और 7 फीट ऊंचा। 7 फीट ऊंचा, सबका सेम साइज है। सेम साइज है। इस साइज में आप कोई भी बड़ी बर्ड जो है, कोई भी बड़ी बर्ड नहीं। जैसे मकाउस, अब मकाउस रखना हो तो उसके लिए तो बेकार है, और अगर इसका पार्टीशन हटा दें तो मकाउस रह सकते हैं। अच्छा, और कॉकटू के लिए भी छोटा है मेरे हिसाब से। जी, कॉकटू को बड़ी केज की जरूरत पड़ती है, लेकिन इक्लेक्टस और ग्रे पैरेट, अमेजोन, इन सबको आराम से रखा जा सकता है। बिल्कुल। अगर मैंने देखा कि कुछ बटरफ्लाई का भी पेयर आपने लगा रखा है। एक पेयर बटरफ्लाई है, कुछ नहीं, केवल एक ही है। अरे एक भी बहुत होता है, बटरफ्लाई इतना रियर है कि किसी के पास मार्किंग की बटरफ्लाई होती नहीं है, बट हमने देखा है कि आप देख लो कैसा है। अच्छा, बटरफ्लाई उधर है। यार उस साइड में ये फर्स्ट बच्चा जो हमारे क्या निकला था, ये वो। अच्छा, ये होम ब्रीड है। हाँ, होम ब्रीड बेटा मिट्टू। ये फॉन फीमेल है और ग्रे मेल है। ये भी काफी अच्छी मार्किंग की है। देखिए बच्चे क्या होते हैं। यहाँ से इसकी मार्किंग बिल्कुल क्लियर पता चलेगी। मार्किंग तो बहुत जबरदस्त है, अच्छी है। जॉय भाई से हम कुछ पूछना चाहते हैं। जॉय भाई, ये बताइए, सारे लोग का हमने सेटअप देखा, सबका अंदर होता, घर के अंदर होता, पैक होता है, पल्ले में होता, कोई एसी लगाता, कोई कूलर लगाता, आप नेचुरल ब्रीड कराते हैं, इसमें कुछ बताइए हम लोग को। आपने कभी सुना है कि हमारे यहाँ कोई चिड़िया मरी है? नहीं, आज तक। कब से शमशुद्दीन भाई आप जान रहे हैं? 4 साल से जान, 4 साल से। शाहरुख कब से जान रहा हूँ? जब से जुड़े हुए हैं तो लगभग। हमारे यहाँ मोर्टेलिटी का रेशियो क्या है? बिल्कुल एकदम 0%। औरों के यहाँ मोर्टेलिटी का क्या रेशियो है? कुछ ना कुछ सुन
सुनने को मिलता है ना, सुनने को मिला है, मैकाउस भी मिला है, ग्रे पैरेट भी मिला है, हर एक चीज मिला है। आप ये बताओ कि खुदा ने हमारे पास ये रोए दिए, ठीक है, इनको क्या दिया बर्ड्स को, वो कबूतर वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, पर है ना उसको, पर के बावजूद वो जब जाड़ा होता है तो वो कहाँ रहता है, जंगल में या नॉर्मल, ना ना हम तो ये तो घर है हम लोगों के, तो वो कहाँ रहेगा, किसी ना किसी छत के शेड में रहेगा, छत के जो वो विंडो होती है रोशनदान, वहां पर उसको ठंडा भी मिलेगा, बरसात का पानी भी मिलेगा और धूप भी मिलेगी, मरता है तो मैरी कैसे चिड़िया कैसे मरेगी, नेचुरल तरीके से नेचुरल तरीके से आप, हाँ, ये उसको मतलब आदत डाली हुई है कि वो नेचुरल तरीके, नहीं भाई ये जो मेल है ना रिसेंटली आया हमारे पास, अच्छा लगभग साल भर पहले आया, और साल भर पहले आने के बाद मैंने उसको ऐसे खुले में डाल दिया, अच्छा मरा नहीं कभी भी, ठंड से नहीं मरती, गर्मी से नहीं मरती, बरसात से नहीं मरती, आपकी लापरवाही से मरती। तो आप देख सकते हैं जुआ भाई ने ये बिल्कुल ओपन रखा हुआ, हाँ ओपन ओपन बिल्कुल, और ग्रे सब ग्रीनरी भी है, और सर्दी बरसात हो और सब ग्रीन नेट वगैरह लगाई है, ग्रीन नेट लगाना जरूरी है क्योंकि अगर धूप ज्यादा है तो उनको हल्की तपिश कम रहे। अच्छा जब बारिश आती है तो उसमें पानी आता है, फिर छन कर इसमें, यार पानी तो पूरा आता है, अच्छा ये देखो आपने, हमने थोड़ा सा टीन लगाया, टीन लगाई हुई है, लेकिन ये टीन केवल बॉक्स एरिया कवर कर रहा है, है ना, बिल्कुल ये केवल बॉक्स एरिया कवर कर रहा है, क्योंकि बॉक्स अगर भीग जाएंगे तो अगर अंडे होंगे या बच्चे होंगे तो उनको प्रॉब्लम पड़ सकती है, और किसी चीज में तो कुछ होना नहीं है, ये है। ठंड से कॉकटेल सब क्या मरी है ना, है शानू क्या मरी है कि नहीं कॉकटेल, अरे नहीं पिछली बार जब तुमने बहुत मरे थे ना, पिछले साल बहुत खराब, ठीक पिछले साल भी हमारे क्या एक बच्चा ने मारा था। व्यूवर्स आपने देख लिया है, ये फाइनली वीडियो लास्ट है हमारे गोरखपुर सीरीज की, और वीडियो काफी अच्छी बन चुकी है, सब आपने वीडियो देखी है और आगे भी देखते रहिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और ये हमारी गोरखपुर की टीम है, और हमारे साथ हिलाल भाई हैं जो मऊ से आए हैं दूर से, और उनके भाई हैं साथ में, और ये सब लोग हैं, सब लोग एक एक करके ये थैंक्स बोलेंगे, और हम इनसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि हमें अभी निकलना है अलीगढ़ के लिए। तो बहुत बढ़िया लगा आपकी विजिटिंग, और खुदा चाहेगा तो फिर मुलाकात होगी हम लोगों की। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और गोरखपुर के एक एक शॉकिंग का जो सेटअप है कम से कम पूरे इंडिया में तो दिखना चाहिए। बिल्कुल, और जो है अब हिलाल भाई से बात कर लेते हैं जो हम मऊ से आए हैं, इनका सेटअप पे तो जाना नहीं हो पाया, लेकिन अब हम मिलेंगे और उनकी जुबानी थोड़ा सा सुन लेते हैं। जी भाई, सलमान भाई आप अलीगढ़ से आए हम लोगों से मिलने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने काफ़ी जगह विजिट भी किया और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, इसके लिए फिर हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और हम उम्मीद करेंगे फिर आप नेक्स्ट टाइम जब भी आए और हमसे मुलाकात करें। और लीजिए अब शाहरुख भाई हैं। तो फाइनली बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा कि सलमान भाई अलीगढ़ से मेरे पास आए, और दो दिन में बहुत ज़्यादा तो हमने नहीं इनको कवर करा पाए, जितना हो सका उतना हमने कवर कराया। अरे बहुत करा दिया, बहुत। काफी अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि सलमान भाई उतना दूर से यूट्यूब के जरिए हमारी दोस्ती हुई थी और आज यहाँ तक इतनी दूर आ गए और इतने लोगों से मुलाकात हुई, और इंशाल्लाह हम ये सोचेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप जब आए तो इससे भी ज्यादा आपको विजिट कराएं, लोगों से मिलवाएं। तो ये मुझे अंदाजा हो गया कि यहाँ आने के लिए टाइम बहुत जरूरी है, टाइम लेकर आएंगे, एक हफ्ता चाहिए, नहीं एक हफ्ता लेके आइए, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सारी जगह घुमाएंगे। और वीडियो को आप गोरखपुर सीरीज पूरी सबकी वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी सलमान भाई की ट्रेन का टाइम हो गया है, तो अभी हम वीडियो क्लोज करते हैं और चलते हैं स्टेशन की तरफ, ठीक है, बाय। ठीक है, बाय बाय।